वेलकम टू अस्ताक्षी लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से कर्ड राइस। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है और उतनी ही आसान है। रेस्टोरेंट स्टाइल कर्ड राइस आज हम बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है चलिए देख लेते हैं। हमें इसके लिए चाहिए बचे हुए चावल, दही, दही अगर थोड़ी खट्टी होगी तो और भी अच्छा है, करी पत्ता, सरसों के दाने, आप राई भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं सरसों के दाने डाल रही हूँ, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैंने गैस पर कढ़ाई रख लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम लाल मिर्च को डाल देंगे, जब वो चटकने लगे तब इसमें हम राई डाल देंगे और जब राई भी चटकने लगे तब इसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और जब ये तीनों चटकने लगे तब इसमें हम दही डाल देंगे। और इन सबको मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। जब दही में एक बॉयल आने लगे, एक उबाल आने लगे तो बचे हुए चावल को डाल दीजिएगा। इससे हमारे बचे हुए चावल भी वेस्ट नहीं होंगे और एक अच्छी रेसिपी हमें मिल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही डिलीशियस है और हेल्दी है और ये सबको पसंद आती है। तो तैयार है हमारा डिलीशियस सा कर्ड राइस। ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।